आज 24 अगस्त 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 24 अगस्त 2024 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य, स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में बाबा ने हल्का रहने की युक्ति बताई है। हमको अगर इस ज्ञान मार्ग में सहज आगे जाना है तो बाबा जो अलग अलग युक्तियां बताते हैं, टिप्स, उसको गहराई से चिंतन करना है। जैसे हल्का रहने के बारे में बाबा ने और कौन सी पॉइंट बताए, तो वो चिंतन में आ जाना चाहिए। आज हम ये देखने वाले हैं कि हल्का और भारी करने वाली बातें। फिर दूसरा नियम जो बाबा के मुरलियों में आता है कि बाबा इटरनल लॉस बताते हैं। ये जो हल्का रहने की युक्ति बाबा ने बताई है कि जो पाप हुए हैं इस जन्म के, वो सब अविनाशी सर्जन के सामने रखो। तो ये एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं कन्फेशन। क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन का बहुत बड़ा रोल है। हिंदुओं में भी भगवान से क्षमा मांगते हैं। जैसे कुछ दिन पहले मुरली में आया था कि ब्रह्मा बाबा अपने को चमाट मारते थे या चुटकी निकालते थे कि मैं क्यों भूल जाता हूँ। तो आप सोचो, भूल जाने पर चुटकी, तो अगर गलती होती है तो क्या अवस्था होगी। तो सभी धर्मों में अलग अलग तरीके से ये बातें बताई गई है। तो इसका प्रिंसिपल हम देखने वाले हैं कि ये किस विधि से काम करता है। दूसरा इटर्नल प्रिंसिपल आया है कि शास्त्रों का सार है, वो है कि स्मृति और विस्मृति। हमने ये बात कई बार देखी है। आजकल के मैनेजमेंट गुरु भी इसके बारे में कहते रहते हैं। उनका अंग्रेजी का शब्द है, इट इज योर सेल्फ टॉक। आप अपने साथ क्या बातें करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अवस्था का आधार। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा हुआ है कि ज्ञान का सिमरन करेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे। स्मृतिया और सिमरन भक्ति मार्ग के शब्द है, ज्ञान मार्ग का शब्द है स्मृति। भक्ति मार्ग में सिमरन करते हैं तो दोनों में फर्क क्या है, क्या हम कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। जैसे आज बाबा ने मुक्ति और मोक्ष में फर्क बताया है। ये एक वक्ता का विशेषता होती है। शिवाचार्य, शिव बाबा, वो शंकराचार्य और ये शिवाचार्य है, ज्ञान के सागर। कैसे हमको समझाते हैं, अगर अच्छा वक्ता बनना है तो बाबा की स्टाइल को समझना पड़ेगा। तो बाबा ये जो शब्दों में फर्क करते हैं, जैसे आज के मुरली में मुक्ति और मोक्ष, इसमें फर्क किया गया है, उसकी गहराई में भी हम जाएंगे। फिर तीसरा जो इटरनल पॉइंट आई है वो है नेचर। नए जन्म की नेचर होती है, तो हमारी नेचर विशेषता है। तो विशेषता के संस्कारों को अगर हम नेचुरल नेचर बनाएंगे तो साधारणता समाप्त हो जाएंगे।
तो इसका क्या कनेक्शन है? अव्यक्त महावाक्य है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ उसको याद कर रहा हूँ कि जब बच्चों की नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस अवस्था हो जाएगी तब नेचुरल कलेमिटीज होंगी, ऐसे बाबा ने कहा था। तो हमारी संपूर्णता का आधार विश्व परिवर्तन के साथ है। आज ये बात अलग तरीके से भी आई हुई है आज के मुरली में। बाबा ने कहा हमारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। तो ये पुरानी दुनिया का विनाश या महापरिवर्तन, ये अच्छा शब्द है। विनाश शब्द हम जितना कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। महापरिवर्तन, ये परिवर्तन शब्द एक्सेप्टेबल होता है लोगों को। विनाश से थोड़ा डर का माहौल रहता है, डर की फाइल खुल जाती है कई लोगों में, क्योंकि विनाश माना बहुत सारी निगेटिव बातें हैं, मृत्यु है। बात वही है, ऐसी पाप कैसे कहते हो उसके ऊपर सारा खेल है। इट इज नॉट वॉट यू से बट द वे यू से दैट मेक्स द डिफरेंस। तो ये महापरिवर्तन कब होगा? तो बाबा ने बताया नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज होगी तब। और जो रॉयल होते हैं वो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, तो जैसे ब्रह्मा बाबा कुर्बान गया, हम बच्चों को भी कुर्बान जाना है। तो ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे कन्फेशन। मुझे ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट लगती है। कन्फेशन माना स्वीकार करना कि आपसे गलती हुई है। अभी यहाँ पर आयुष डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो कल की मुरली मैं आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक और हम ध्यान रखते हैं, देखो हमसे भी क्या गलतियाँ होती है। बाबा के जो स्पीकर क्वालिटी के बच्चे हैं, जो वाचा की सेवा करने के निमित्त है, तो ऐसा हुआ कि अभी जो कहानियां सुनाते हैं बाबा के बच्चे, स्पीकर माना उसको कहानियां सुनाना है, उसको भी एक कलाकार होना होता है। तो होते क्या है कि दिन भर में लंच के पहले 3 सेशन होते हैं, 3-4, और शाम को 3-4 सेशन होते हैं। कई स्पीकर बहुत बिजी होते हैं, तो वो पहले स्पीकर ने क्या सुनाया है सुनते नहीं है। तो एक बार तो ऐसे बात हो गई जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए, खास करके उन लोगों को जो कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं। अभी वो नया स्पीकर आता है 2 दिन बाद, उसको पता नहीं कि पहले वालों ने क्या कहानी सुनाई है। वो फिर से आके वही कहानी सुनाता है और उसको लगता है वो बड़ी बात कह रहा है। तो लोग सामने वाले हंसना चालू कर देते हैं, उनको ये लगता है कि इनके पास कुछ है ही नहीं मटेरियल, ये वही बातें बार बार सुनाते हैं। इसलिए मैंने कोई जब ये बात पता चली तो मैंने अटेंशन रखा कि मेरा सेशन कल 24 तारीख को है, तो मैं 23 तारीख से हर सेशन को अटेंड करूँगा। कई सेशन में अच्छी बातें होती है जिनको हमको री इन्फोर्स करना होता है, माना उनको पक्का करना होता है। अभी हमको समझ में आता है सामने वालों की लेवल क्या है। हर एक की लेवल होती है। जो श्रोते आते हैं, श्रोतागण जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने को, उसमें भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं, कई बहुत मैच्योर्ड होते हैं, कई मीडियम कैटेगरी के और कई और कैटेगरी के होते हैं। तो हमको एक पल्स आ जाती है क्योंकि उनके साथ बात करके हम उनके साथ मिलते हैं, तो वो क्या समझ रहे हैं ये समझने की हम कोशिश करते हैं, उनकी ज़रूरतों को भी समझने की कोशिश करते हैं। और फिर जैसी ज़रूरत और लेवल है उस अनुसार हम सामने वालों को सुनाते हैं। तो मैं अभी सेशन जो सुन के आया हूँ वो है विटामिन ए फॉर रिलेशनशिप्स। माना विटामिन जैसे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, वाटर सॉल्यूबल, बी कॉम्प्लेक्स होते हैं या सी विटामिन, ये सब वाटर सॉल्यूबल है, और फैट सॉल्यूबल विटामिन ए डी ई के, ये 4 विटामिन होते हैं ऐसे डॉक्टर्स को बताया जाता है। तो विटामिन से एनर्जी आती है। तो संबंधों को सुमधुर बनाने के लिए कौन से विटामिन जरूरी है? तो उसमें इस आत्मा ने विटामिन ए लिखा था, और ए में फिर बहुत सारी बातें आई थी, जैसे ए फॉर एप्रिसिएशन, ए फॉर एक्सेप्टेंस,
ए फॉर एक्नॉलेजमेंट, ए फॉर एपोलॉजी, ऐसे ऐसे एक एक उदाहरण देकर वो बातें सुना रहे थे निमित्त आत्मा। तो उससे मेरे को याद आया कि रिलेशनशिप्स में फंडामेंटल बात है वो ये है कि कोई भी मनुष्य आत्मा इस समय परफेक्ट नहीं है, ये बात हमको ध्यान में रखते हैं। अभी परफेक्ट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, परफेक्ट केवल एक परमात्मा है, बाकी सब एक डॉक्टर बर्नी सीगल ने कहा, ये सर्जन है, इन्होंने लव मेडिसिन एंड मिराकल नाम की बहुत सुंदर किताब लिखी है, आपको मिले तो जरूर पढ़ना चाहिए। तो उसमें डॉक्टर बर्नी सीगल कहते हैं कि आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, बट दैट इज ओके, वी ऑल आर परफेक्टली इम्परफेक्ट। तो हम सब परफेक्टली इम्परफेक्ट है, मतलब हमसे गलतियाँ होगी। तो जब हम परफेक्ट नहीं है तो गलतियाँ होगी, तो सभी लोगों से गलतियाँ होती है। अभी गलती रखने होने के बाद में आपका बिहेवियर क्या होता है उस व्यक्ति के प्रति, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट डिसाइड्स योर रिलेशनशिप्स। अभी कई लोग गलतियों को भी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है, ये छोटी सी गलती है, ये मध्यम रूप की गलती है। तो छोटी और मध्यम को तो माफ किया जा सकता है, कई कहते हैं कि बड़ी गलती को माफ नहीं किया जा सकता। तो इस समय हम देख रहे हैं कि कई ऐसे केसेस है, इनफिडेलिटी कहते हैं, माना जो आजकल सीरियल्स में भी दिखाया जाता है कि विवाह बाह्य संबंधों का उदात्तीकरण किया गया। अभी ये थोड़ा ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गया, माना शादी के बाहर भी इनके संबंध होते हैं, पति हो या पत्नी हो। तो ये केसेस अभी बढ़ रहे हैं, डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, तो गलतियां होती है रिलेशनशिप्स में, फिर वो पति पत्नी से हो या फिर बच्चों से हो या माँ बाप और बच्चों की हो या और रिश्तों में गलतियां हो, तो उसको माफ करना चाहिए, भूलना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए। अभी ये बहुत कठिन होता है, तो उसमें क्या हम ध्यान में रखें जिससे हमारे रिलेशनशिप सभी के साथ अच्छे रखें। हमने पहले भी देखा है कि जिनके रिश्ते सभी के साथ अच्छे हैं वही सदा और सहज फरिश्ते रह सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो इसके ऊपर सभी चिंतन करेंगे, आज के मुरली के साथ इसको कनेक्ट करेंगे कि बाबा ने कहा जो भी पाप हुए हैं वो अविनाशी सर्जन के आगे रखो, तभी आप हल्के रहेंगे। अभी ये क्रिश्चियनिटी का प्रिंसिपल है, चर्चेस में कन्फेशन बॉक्स होता है जिसमें फादर अंदर बैठा होता है, बाहर कौन है वो फादर को पता नहीं और बाहर वाले को पता नहीं कि अंदर कौन है। वो बेल बजाते हैं तो व्यक्ति आता है और उसके सामने अब से जो गलती हुई है वो एक्सेप्ट कर लेता है। अभी एक्सेप्ट करने का फायदा क्या होता है, जब आप सच्ची दिल से किसी को सुना देते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं, आपका दिल खाएगा नहीं, और सामने वाला ऑन बिहाफ ऑफ गॉड माना परमात्मा की तरफ से आपको माफ कर देता है और आपको हिम्मत देते हैं कि अगली बार से आप अटेंशन रखना ताकि आपसे ये गलती नहीं हो। तो मेन जो सजा है वो हम खुद अपने आप को देते हैं। ये रिलेशनशिप्स में यही बात निकली कि सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता हम समझते हैं पति पत्नी, माँ बाप और बच्चे या भाई बहन, ये सब, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है हमारा खुद के साथ रिश्ता कैसे है, क्योंकि बाकी सब रिश्ते इसका रिफ्लेक्शन है। अगर हमसे गलती होने के बाद हम अपने को माफ नहीं करते हैं तो फिर वो बहुत बड़ी सजा हो जाती है और वो हमारे रिश्तों में आ जाती है। बाबा की भाषा में जब बच्चों से गलती हो जाती है तो दिल खाता है। अभी बाबा की मुरलियाँ इतनी गहरी होती है, जो रोज मुरली सुनता है अगर वो मुरली के श्रीमत को वायलेट करेगा और अपने आदतों को नहीं बदल पाया तो उसका ही मन उसको बहुत बड़ी सजा देता है। अभी इस मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरह समझना, जितना कपड़ा साफ होते जाता है, स्वच्छ होते जाता है, उसके ऊपर छोटा दाग भी बहुत बड़ा लगता है,
जितनी जितनी आत्मा स्वच्छ होने लगती है, छोटा सा भी मनसा में भी अगर गलती हो गई तो दिल खाएगा कि मैं इतने बड़े बाप का बच्चा होकर ये क्या संकल्प कर रहा हूँ। और इस छोटी सी मनसा में गलती हो जाती है तो बाबा के साथ योग लग नहीं सकता, क्योंकि मन बार बार याद दिलाएगा कि तुमने ये गलती किया, तुमने ये गलती किया। क्योंकि ये सत्यता का मार्ग है, यहाँ पर झूठ लंबे समय तक नहीं चल सकता। लोग झूठ बोलते हैं, व्यवहार में झूठ होकर चलते हैं, थोड़े समय के लिए ये आपके ईगो को डिफेंड करेगा, आप बच जाएंगे दुनिया से, लेकिन लंबे समय तक चलना फिर मुश्किल है, अनलेस आप अपने विवेक का खून कर देते हैं। ये जो दिल खाने वाला काम जो करने वाला होता है वो हमारा सत असत विवेक बुद्धि कहते हैं, कॉन्शियंस अंग्रेजी में कहते हैं। ये हमारा कॉन्शियंस हमको बार बार याद दिलाता है कि तुमने ये गलती किया है। अभी गलती का आउटकम क्या है? मिस्टेक सिक्स पनिशमेंट। तो बाबा ने आखिर एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही, हमको इसके ऊपर चिंतन करना है, समय के अभाव से मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। बाबा ने कहा, या तो गलती करो या फिर पश्चाताप करो, दोनों मत करो, क्योंकि ये टू मच हो जाता है। अगर आपसे एक ही गलती बार बार हो रही है तो बाबा ने कहा, अपने आप को सजा दो, जो आपकी प्रिय चीज है उसका त्याग करो। अभी ये बहुत सूक्ष्म मनोविज्ञान है, जैसे मैंने आपको सुनाया कि आदत बदलना है, तो जैसे खाने की चीजें हैं, अब ये बहुत सूक्ष्म है। कई धर्मों में जैसे मैंने जैन में देखा कि गुरु जो होता है वो उसके शिष्य को या जो फॉलोअर्स है उनको कहते हैं, पहले वो प्रश्न पूछते हैं कि आपको कौन सी सब्जी पसंद है। अगर उसने कहा फलाने सब्जी पसंद है, तो गुरु कहेगा आज से ये सब्जी आप छोड़ दो, अभी सबसे प्रिय सब्जी है, खाने की चीज है, उसको छोड़ दो। तो तकलीफ होती है, लेकिन वो आपको सहन करना है। उससे फायदा ये होगा कि आपका खुद के ऊपर कंट्रोल बढ़ने लगेगा, विल पावर बढ़ता है। तो ये सजा देने की जो बात है, माना अपने को उस प्रिय चीज से दूर रखना है ताकि आपकी शक्ति बढ़ेगी और आप उसके विरह को, व्यक्ति या वस्तु है उसको सहन कर सकेंगे। तो ये मिस्टेक एंड फॉरगिवनेस के ऊपर चिंतन करेंगे। जितना हम सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, माना बाबा से कुछ भी छिपाएंगे नहीं, उतना हमारा हृदय शुद्ध होते जाएगा। इसको बहुत गहराई से चिंतन करना। और अगर गहराई में आप गए तो एक बात समझ लो कि जो सब कुछ जानता है उससे कोई छिपाने का मतलब ही नहीं बनता है। समझो हमने छिपा है अभी बाबा से, तो क्या हम बाबा से कोई बात छिपा सकते हैं? क्योंकि वो हजार नेत्र वाला है। अगर उससे कोई बात छिपा ही नहीं सकते हैं और उसके बावजूद भी वो कह रहा है कि बच्चे मुझे सच सच बता दो, इसका मतलब, इसके पीछे का राज समझ लो। इसके पीछे का राज ये है कि मेरा दिल खाएगा नहीं और मुझे प्रेरणा मिलेगी श्रेष्ठ कर्म करने की। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना है कि इस जन्म के पाप के लिए सच बताना है, क्योंकि पिछले जन्म के पाप तो हम समझ नहीं सकते हैं, उसके लिए फिर याद की यात्रा है। और जितना आप योग में बैठेंगे, अनुभव कहता है कि आप हल्के होते जाएंगे। ये बहुत बाबा के बच्चों का अनुभव है कि जैसे योग लगने लगता है, योग में प्राप्तियों का अनुभव होता है, तो आत्मा हल्के होने लगती है। अंग्रेजी में कहावत है कि एंजल्स कैन फ्लाई बिकॉज दे आर लाइट, फरिश्ते उड़ते इसलिए है क्योंकि वो हल्के रहते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मुरली में आया था, बाबा ने कहा हल्का रहना है तो अपने सब बोझ बाप को दे दो,
संगम युग पर बाबा बच्चों के बोझ उठाने के लिए आया है। बाबा ने एक मुरली में बहुत नशे की बात कही थी, वर्थ रिपीटिंग है इसलिए सुना रहा हूँ। बाबा ने कहा, जो आप कहते हो कि संगम युग पर भगवान हमेशा हमारे साथ है, अगर दुनिया वाले आपको पूछे क्या भगवान तुम्हारे लिए खाली बैठा है, इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी तुम्हारे लिए खाली बैठी है, तो नशे से उनको कहना चाहिए, हाँ संगम युग पर सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे लिए खाली बैठा है। कितने नशे की बात है। भगवान मुझे कह रहा है कि बच्चों मैं तुम्हारी सेवा पर हूँ। मालिकम सलाम कहते हैं, बाबा हमको सलाम कहते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मुझे यूज करो। देखो भगवान कह रहा है मुझे यूज करो, कितने नशे की बात है। लोग भगवान को याद करते हैं और भगवान हमको याद कर रहा है। तो हल्का रहना है, तो हल्का रहने के लिए बाबा ने जो जो बातें सुनाई है मुरली में उसके ऊपर चिंतन करेंगे। दो बातें तो आइए, एक सच्चे दिल से सब सुना दो, बोझ सब बाप को दे दो, और कौन सी बातें करेंगे तो हम हल्का रहेंगे। तो बाबा की कहावत है, सच तो बिठो नाच, माना जो सच्चा होगा वो नाचता रहेगा। वो एक गीत है हिंदी में बॉलीवुड का, आजकल पाव नहीं है धरती पर मेरे, तो जो खुशी में होता है वो उड़ता रहता है, पर खुशी में कौन रह सकता है। जो सच्चा है, साफ दिल है, सच्चे दिल पर साहब राजी होता है, और जिसका साफ दिल होता है अनुभव ये कहता है कि उसकी हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे और गहराई में जाके आप भी इसके ऊपर चिंतन करना कि हल्का रहने की युक्ति क्या क्या है। ये तीन चार युक्तियां हमने देखी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है वो है स्मृति। भक्ति मार्ग में एक चित्र दिखाया है विष्णु का कि वो शेष शैया पर लेटा हुआ है और आंखें बंद है लेकिन मुस्कुरा रहा है। तो बाबा ने इसका अर्थ बताया है कि ये ज्ञान का मंथन करके हर्षित होने की यादगार है। तो जो भी बाबा ने मुरलियों में हमको स्मृतियां दी है, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, जितनी भी स्मृतियां है बाबा के मुरली को, उसमें बुद्धि में उसको दौड़ाना चाहिए। उसको जिसको भक्ति मार्ग में कहा गया है कि सिमर सिमर सुख पाओ, जितना सिमरन करेंगे उतना सुख पाएंगे, जितना सिमरन करेंगे। जैसे देखो भक्ति मार्ग की एक बात आपको सुनाता हूँ, आजकल एक मशीन आया है भक्ति मार्ग में, पहले तो ऐसा नहीं करते थे। एक्चुअली भगवान का नाम लेने के लिए काउंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई लोगों का संस्कार होता है कि काउंट करते रहते हैं। तो काउंटर कर का एक मशीन आता है जो सेकंड उंगली के ऊपर, इंडेक्स फिंगर के ऊपर बांधा जाता है, और जितने बार आप भगवान का नाम लेंगे उतना वो बटन दबाना होता है। समझो कोई अभी कहते हैं राम 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 राम, तो जब राम राम बोल रहे हैं तो बटन दबाते जाना चाहिए। तो मंत्र बोलते हैं, कोई भगवान का ऐसे नाम लेते हैं, तो रात को सोने से पहले अपना वो स्कोर देखते हैं, कितने बार नाम लिया। तो एक दिन में 10,000 बार नाम लिया तो खुशी होती है कि आज मैंने 10,000 बार नाम लिया। एक्चुअली जो बेहद का है उसको हद में नहीं लाना चाहिए, गिन के नाम नहीं लेना चाहिए। जैसे जैसे बाबा कहता है कि घड़ी देखकर योग नहीं करना चाहिए। हाँ कई लोग योग करते समय घड़ी को देखते रहते हैं, आधा घंटा योग किया, एक घंटा योग किया। बाबा ने कहा आप आधा एक घंटा वाले योगी नहीं हो, आपका जीवन ही योगी जीवन है। मैं कभी भी योग करते समय घड़ी देख के योग नहीं करता हूँ, नहीं तो मैं टाइम कॉन्शियस हो जाऊंगा। हमको सोल कॉन्शियस और सुप्रीम सोल कॉन्शियस होना है, ना कि टाइम कॉन्शियस। तो अमृत वेले में कभी भी घड़ी को नहीं देखता हूँ, जब तक अंदर से सुख की फीलिंग आ रही है तब तक उस अवस्था में बैठे रहेंगे।
जैसे आज पता नहीं मधुबन में क्या वाइब्रेशन है, कल भी मैंने कहा था बहुत शक्तिशाली अनुभव हो रहा है, तो अपने आप आँख खुल गई, घड़ी नहीं देखा मैंने तो मैं बैठ गया बैठ गया बैठ गया, अभी बहुत देर हो गया बैठ गया, तो ऐसे ही घड़ी की तरफ देखा तो बहुत देर के बाद देखा तो 4 बजा था, तो मैंने सोचा इसका मतलब मैं शायद 2 बजे के आसपास उठा होगा, और उसके बाद भी मैंने घड़ी की तरफ नहीं देखा। जब तक भर रहा है बाबा, जब तक सुख का अनुभव हो रहा है, एकाग्रता का अनुभव हो रहा है, तब तक कंटिन्यू करते हैं, और जब फुल हो जाते हैं तब अपने आप ऐसे लगता है कि अभी बस हो गया। तो बाबा अंदर से भरपूर करता है अमृत वेले को, तो जो भी स्मृतियां दी है उसकी गहराई में जाएंगे, बहुत सुंदर अनुभव होता है, खुशी बढ़ती जाती है। और ये जो संकल्प है हमको श्रेष्ठ अवस्था में लेके जाते हैं, आज की मुरली में जो मुक्ति और मोक्ष शब्द आया है उसके ऊपर थोड़ा सुनाएंगे। भगवान को मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। अभी मुक्ति माना बंधनों से मुक्ति, ये भी एक मुक्ति है, दुखों से मुक्ति, ये भी एक मुक्ति है। तो बाबा हमको दुखदाई बंधनों से मुक्त करते हैं, और परम धाम में जाना माना मुक्ति, पर मोक्ष का अर्थ वो समझते हैं कि जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आना, माना ड्रामा में ही नहीं आना। इसलिए आज बाबा ने मुक्ति और मोक्ष दोनों को अलग समझाया है। मेरा फेवरेट है भक्ति मार्ग का आ, 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 मुक्ति और मोक्ष का, वो बताते हैं कि सॉरी मृत्यु और मोक्ष में क्या फर्क है। तो वो कहते हैं कि आपकी सांसें खत्म हो चुकी है लेकिन इच्छाएं अभी बाकी है, ये मृत्यु है, माना आपको फिर से शरीर लेना पड़ेगा, लेकिन आपकी सांसें बाकी है लेकिन इच्छाएं समाप्त हो गई, ये लोग मुक्ति समझते हैं। एक्चुअली ये जीवन मुक्ति की स्टेज है, और बाबा के बच्चे शरीर छोड़ने के पहले ये संस्कार लेकर जाएंगे। आज काल को भी याद किया है, काल ये संस्कृत शब्द है, मृत्यु को भी काल कहते हैं और समय को भी काल कहते हैं। तो बाबा ने कहा काल कोई पकड़ता नहीं है, सतयुग में आयु बड़ी होती है तो योगी थे, अभी सतयुग में कोई लक्ष्मी नारायण योग नहीं लगाते हैं, लेकिन उसके भाव को समझना चाहिए। योगी माना उन्होंने पहले जन्म में योग लगाया इसलिए वो इतने श्रेष्ठ बने, ये भाव यहाँ लेना चाहिए। आज स्त्रियों के संन्यास के ऊपर भी बात आई है कि स्त्रियां तो धक्के खा नहीं सकती, आपने देखा होगा, आप इसके ऊपर चिंतन करना कि सभी धर्म स्थापक पुरुष होके गए हैं, इब्राहिम पुरुष है, मोहम्मद पैगंबर पुरुष है, फिर गौतम बुद्ध पुरुष है, महावीर पुरुष है, जीसस क्राइस्ट पुरुष है, फिर आदि शंकराचार्य पुरुष है, और गुरु नानक, ये सब पुरुष है, किसी भी स्त्री ने धर्म की स्थापना नहीं की है। लेकिन वंडरफुल देखो कि लास्ट में जब सतयुग की स्थापना होती है, सबसे बड़ा पार्ट नए धर्म की स्थापना में माताओं बहनों का, ये ड्रामा बैलेंस करता है। आज विशेष बात बाबा ने नेचर के ऊपर कही, अंग्रेजी के 2 शब्द है इसके ऊपर चिंतन करेंगे, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, नेचर और नर्चर। नर्चर माना पालना, नेचर माना संस्कार। तो बाबा ने कहा संगम युग पर बाबा के हर बच्चों का नेचर होना चाहिए विशेषता का, हमारे हर कर्म विशेष होना चाहिए, हम है ही विशेष आत्मा। देखो हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है, हिंदी में कहते हैं जो भी समय है उसको विशेष बनाए, नहीं तो लास्ट में अवशेष ही बचने वाले हैं। तो विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए, हर एक के दिल से निकले कि ये मेरी नेचर है। साधारणता नेचर दिखाई नहीं दे, राजा माना रॉयल्टी, आज रॉयल की भी डेफिनेशन आई है, रॉयल माना जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं पत्थरों से नहीं। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को कुर्बान किया, वैसे हमको शिव बाबा के ऊपर कुर्बान जाना है।
सब कुछ तन मन धन सभी श्वास संकल्प बाबा के ऊपर कुर्बान जाना है, जीते जी मरना है ताकि अंतिम समय और कुछ याद नहीं आए। जो भी स्मृतियां बाबा ने दी है उस स्मृतियों को रिवाइज और रियलाइज करना है, रिवाइज करना है, रियलाइज करना है। और अगर जाने अनजाने में जो भूले हुई है, पाप शब्द मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, भूले हुई है, मैं उसको भूले कहता हूँ, तो वो सब बाबा को सच सच बतानी है। अगर बताने के बाद भी याद आती है तो कागज के ऊपर लिख कर देना है, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाबा को वो सौंप देना है और फिर वो कागज जला डालना है ताकि वो भस्म हो जाए, और फिर अटेंशन रखना है, याद की यात्रा बढ़ानी है ताकि पिछले जन्मों का जो बोझा है वो खत्म हो जाए। हम सब विशेष आत्मा है क्योंकि स्वयं भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ी है, तो हर कर्म में विशेषता दिखाई दे, नेचुरल नेचर बन जाए, विशेषता साधारणता पूरी तरह से समाप्त हो जाए, और सदा ज्ञान रत्नों से खेलेंगे, पत्थरों से नहीं, वही रॉयल बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।